हेलो दोस्तों, मैं आपको आज क्लास 9th का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टू है। इस समीकरण को हल करना है, तो इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, हम अंश में दो के साथ जोड़ेंगे भी और दो घटाएंगे भी, ठीक है इसमें। और फिर उसके बाद हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, माइनस वन जोड़ एक वन जोड़ा, एक वन को घटा दिया, तो इसके सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी अंश में कोई भी कुछ भी काम नहीं हुआ, यानी कि हमारा मान ज़ीरो ही है, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, फिर माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टू, ऐसे लिख जाएंगे। देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस टू है, एक्स स्क्वायर प्लस टू है, इसको काटेंगे तो इसका मान आएगा हमारा वन। ये जैसे था वैसे ही लिख दिया, इसको काटा तो ये वन आ गया, ये जैसे था इसको लिखा, ये जैसे भी था उसको वैसे लिख दिया। फिर यहाँ से वन और वन को जोड़ा तो मैंने टू प्राप्त हुआ। फिर इसको ऐसे ही, इस टू को मैंने उठा के इधर लाया तो दो में से दो के बच्चे जीरो। फिर मैंने क्या किया, इस माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू को पक्षांतर किया, यानी लेफ्ट से राइट में ले आया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस टू को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, टू को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया मैंने तो टू एक्स स्क्वायर माइनस टू आ गया। फिर मैंने क्या किया, इस टू वाले को जिसमें अचर पद नहीं लगे हुए हैं, चर पद हैं, उसको अलग किया, यानी टू है ये माइनस टू है, इसको उठा के डाला है प्लस टू हुआ, ये टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व किया, यहाँ से एक्स स्क्वायर आया, यहाँ फोर आया, ये अंडर रूट को हटाना है तो दोनों पक्षों में स्क्वायर हटता है तो वर्ग अंडर रूट वर्ग लग जाता है जिसे कहते हैं, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस टू में। आप उत्तर की जाँच या स्वयं करें।